हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। और हम हाजिर हैं एक और वीडियो में। अब जो रिलीज डेट का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो बारिश जो है वो एक के बाद एक होती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बाढ़ सा आ गया है सारे रिलीज डेट्स का। इससे पहले हम तीन वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। पहले वीडियो में हम YRF की जो चार फिल्मों के रिलीज डेट अनाउंस हुए उसको डिस्कस किए थे। सेकंड वीडियो में हम डिस्कस किए क्रिसमस रिलीजेज, लाल सिंह चड्ढा, 83, पुष्पा के बारे में। और तीसरा वीडियो आदि पुरुष के सेट से जो पिक्चर्स आए थे उसको डिस्कशन किया। तो तीन वीडियो ऑलरेडी है, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। ये चौथा वीडियो जिसमें हम एक नहीं, दो नहीं बल्कि छह और बॉलीवुड की तरफ से रिलीज डेट अनाउंस हुए हैं, उन छह फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं। एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे, जैसे जैसे रिलीज डेट है वैसे वैसे डिस्कस करेंगे फिल्मों को। और क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए हम बस तुरंत तुरंत रिलीज डेट बता के ये वीडियो को रैप अप करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं तड़प से। 3rd of December तड़प का रिलीज डेट अनाउंस, ये पहले ही हो चुका था, आज फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि 3rd of December को तड़प विल बी रिलीजिंग। इट इज एन ऑफिशियल रिमेक ऑफ द साउथ सुपरहिट मूवी RX100। इस फिल्म में आपको आहन शेट्टी देखने को मिलेंगे जो कि सुनील शेट्टी के बेटे हैं, और अलॉन्ग विद तारा सुतारिया। मिलन रुथरिया इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और ये फिल्म 3rd December को आ रही है। उसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं 31st December यानी कि न्यू ईयर्स ईव पे। बहुत ही धमाका होने वाला है उस दिन। देखिए, एक वीक पहले आपको 83 देखने को मिलेगा, क्रिसमस के ही अराउंड आपको पुष्पा देखने को मिलेगी, और 31st of December को जर्सी, एक और रीमेक, साउथ का ही रीमेक, द अवार्ड विनिंग फिल्म जर्सी का रीमेक में आपको शाहिद कपूर देखने को मिलेंगे और मृणाल ठाकुर, पंकज कपूर भी हैं इस मूवी में। बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आई हैव रियली हाई होप्स एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मूवी। जर्सी जो थी एक जबरदस्त मूवी थी, और नानी ने भी कहा है कि हमको लगता है कि उनसे अच्छा परफॉर्म शाहिद कपूर करेंगे। अब उनसे अच्छा कर पाएंगे कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन आफ्टर द ह्यूमंगस सक्सेस ऑफ कबीर सिंह वी हैव वेरी हाई होप्स ऑन दिस मूवी। एंड कितना अच्छा नानी से बेटर कर पाएंगे कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन दैट इज फॉर श्योर कि शाहिद कपूर विल गिव अनदर नॉकआउट परफॉर्मेंस। और आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस फिल्म। आप कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद हम लोग आते हैं सीधे मार्च के महीने में, जब हम लोग को एक और अक्षय कुमार की फिल्म देखने को मिलने वाली है, बच्चन पांडे। बच्चन पांडे भी एक फिल्म की रीमेक है और ये एक बहुत ही अलग टाइप की फिल्म होने वाली है जैसा सुनने में आ रहा है। बहुत ही कॉमेडी, ह्यूमर, मास मसाला, एक्शन वाली मूवी होने वाली है। अब हालांकि इसके डायरेक्टर से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी होप करेंगे कि ये फिल्म एक अच्छी फिल्म निकल के आए। और ये मार्च के 4th of मार्च को ये रिलीज होने वाली है। उसके बाद हम लोग आते हैं 25th of मार्च। मार्च के महीने में एक और फिल्म आ रही है जो कि है भूल भुलैया 2, स्टारिंग कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणी। दिस फिल्म वॉज ऑल्सो स्लेटेड फॉर अ रिलीज इन दिस नवंबर, लेकिन अब वो पुश होके 25th of मार्च को रिलीज डेट उन्होंने पकड़ लिया है। और उसके बाद द ईद, द बिग धमाका, ईद को भी लॉक कर दिया गया है अजय देवगन के द्वारा, सरप्राइजिंगली। अब देखते हैं पठान कहाँ पे आती है, इसमें कहाँ फिट होती है। पठान भी देखिए, क्लैशेज अवॉइड करना बहुत मुश्किल तो हो सकता है, पठान भी आपको बहुत जल्दी अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए उसका रिलीज डेट जो कि ईद के ही आसपास हो। लेकिन फिलहाल के लिए मे डे, जो कि एक बहुत ही अवेटेड फिल्म है अजय देवगन की, उसमें अमिताभ बच्चन भी देखने को मिलेंगे, राहुल प्रीत सिंह भी हैं, उसने अपना रिलीज डेट लॉक कर दिया है 29th of April, विच इज ऑलरेडी क्लैशिंग विथ हरिहर वीरामल्लू जो कि एक पैन इंडिया मूवी है पवन कल्याण साहब की, तो उसके साथ ये क्लैश कर रही है। ईद के दो दिन पहले ये निकलने वाली है और इस पर के लेके भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। इसमें आपको यूट्यूब सेंसेशन कैरी मिनाटी भी देखने वाले हैं, तो बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है इस मूवी का जो है। बाकी देखते हैं जिस तरह से चीज़ें पैन आउट होती हैं। और अब एक और मूवी है जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं हुआ है मेरे चैनल पर, लेकिन एक्साइटमेंट इसको लेके बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ हीरोपंती 2। टाइगर श्रॉफ विल बी कमिंग बैक इन हिज हीरोपंती, और उनका रिलीज डेट अनाउंस हुआ है 6th of May 2022। ठीक है, ईद के जस्ट कुछ दिन बाद यानी कि मे डे के अगले वीकेंड में आपको देखने को मिलेगा हीरोपंती 2, टाइगर श्रॉफ डूइंग हिज फ्लिप फ्लॉप्स एंड इज बैक विथ हीरोपंती। और इसमें बहुत ही जबरदस्त इसका स्टारकास्ट भी है और ए आर रहमान का म्यूजिक है इसमें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपको एज अ विलन देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है ये मूवी, और देखते हैं किस तरह से और कितने क्लैशेस होते हैं इसके बीच में। फिलहाल के लिए मई में आपको यही एक फिल्म है जो अभी तक के लिए अनाउंस हुई, अभी तो भर भर के रिलीज डेट आने वाले हैं। और एक और शॉकिंग अनाउंसमेंट है जो कि दिवाली, यानी कि अक्षय कुमार ने इसी दिवाली नहीं बल्कि अगली दिवाली भी बुक कर ली है विथ हिज एडवेंचर फिल्म, दैट इज राम सेतु। अब राम सेतु को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, अब देखते हैं वो किस तरह से पैन आउट होता है, कितने क्लैशेस उनको देखने को मिलते हैं, क्योंकि दिवाली पे बड़ी बड़ी फिल्में आई कर रही थी और हम कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि आदि पुरुष जो है प्रभास की, वो भी कहीं ना कहीं दिवाली का रिलीज डेट का टारगेट करेगी। फिलहाल वो 11 अगस्त में ही टिके हुए हैं, बाकी देखते हैं किस तरह से पैन आउट होते हैं। और अक्षय कुमार की देखिए, कल महाराष्ट्र के थिएटर ओपन हुए और आज मतलब 24 घंटे के अंदर अक्षय कुमार की चार फिल्में ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। वी हैव सूर्यवंशी, वी हैव पृथ्वीराज,
वी हैव नाउ बच्चन पांडे एंड राम सेतु भी अनाउंस हो चुकी है। एंड डोंट बी सरप्राइज अगर इसी दिसंबर में आपको अतरंगी रे भी अनाउंस होकर मिल जाए। जैसा कि हम पहले भी अपने वीडियो में बताए थे कि जब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, थिएटर्स पूरी तरह से खुल जाएंगे, हर 40-45 दिन पे आपको एक अक्षय कुमार की मूवी देखने को मिलेगी। इतनी मूवी बना के उन्होंने रखी है। तो फिलहाल के लिए 6 मूवी है। किस फिल्म के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और किस किस फिल्म के लिए आप एक्साइटेड हो वो भी बताना जरूर, और किस फिल्म के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हो जो भी आपके थॉट्स हो कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कुछ बात करनी तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां मैसेज कर सकते हो। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।